सकेंगे कि इस नज़ारे को दिखाएं। यहाँ पे लोग जो है, लोगों का सिलसिला आने जाने का शुरू हो गया है। लोग माथे पे दौरा लेकर के और जो जिस तरीके से आए जाते हैं छठ घाट पे अपने पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। हम आगे की भी तरफ चलेंगे, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि माथे पे दौरा लेकर के लोग छठ घाटों पे पहुंच रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको सिवान के छठ घाट से दिखा रहे हैं। ऐसे ही हम आपको कई घाटों से नज़ारा दिखाएंगे और आगे की तरफ लेकर चलेंगे कि सिवान में आखिरकार इस महापर्व की तैयारी किस तरह से की गई है। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुँच कर और महापर्व छठ को सम्पन्न करा रहे हैं। हम आगे की तरफ चलेंगे और वहाँ से नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। भगवान भास्कर को अर्घ देने की अब बारी हो गई है। संध्या ढलते ही भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा और ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो सूरज भगवान वहाँ पे हैं, जो अब डूबते सूरज को जो अर्घ दिया जाएगा। जैसे ही ये सूरज भगवान डूबेंगे, यानी कि भगवान भास्कर जो हैं डूबते हुए सूरज को छठ व्रती महिलाएँ अर्घ देंगी। और आपको हम पुलवा घाट से जो नज़ारा दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सिवान का जो छठ घाट है। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उस तस्वीर को दिखाएँ जो कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण जो हैं छठ व्रती महिलाएं यहां पे पहुंच चुकी हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि किसी बड़े महानगर में छठ जो व्रत हैं व्रती हैं वह अपने त्यौहार को कर रही हैं। सिवान के तमाम जगहों से यहां पे लोग पहुंचे हुए हैं और छठ जैसा जो बड़ा त्यौहार है, जिसे हिंदुओं का महान पर्व कहते हैं, लोक आस्था का महान पर्व है, उसे यहाँ पर सम्पन्न कराया जा रहा है। पूरे परिवार के साथ लोग आते हैं और काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस त्यौहार को मनाया जाता है। देखिए अब धीरे धीरे जैसे ही भगवान भास्कर जो है, जैसे जैसे वो डूबेंगे, वैसे वैसे अर्घ देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो ये हम तमाम तस्वीरें आपको एटीएन लाइव पर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलवा घाट से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जो बोट चल रहा है उसे भी क्लोज करके दिखाएं। जैसे कि हम तीन चार रोज से इस खबर को दिखा रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाने के कारण जल स्तर जो है दहा नदी का काफ़ी बढ़ गया है, और जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा बोट की व्यवस्था की गई है ताकि कोई किसी भी तरह की अगर परेशानी होती है, हालांकि बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है, उसके बावजूद भी किसी भी तरह की अगर परेशानी हो रही है तो उसके लिए बोट की व्यवस्था की गई है। और तमाम जो गोताखोर हैं वो इस बोट पे मौजूद हैं ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। कोई छोटा बच्चा हो या कोई महिला अगर गलती से अगर पानी की तरफ चली जा रही हैं गहरे पानी में, तो उनको आसानी से निकाला जाए। कुछ लोग यहाँ पे देखिए, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कहा जाता है कि ये हिंदुओं का महान पर्व है, लेकिन सबसे बड़ी बात है देखिए, हमारे मुस्लिम भाई भी इस त्यौहार में एक साथ मिलजुल कर इस त्यौहार को संपन्न कराते हैं और ये लोग भी पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, बहुत मिल्लत का त्यौहार माना जाता है। जिस तरह हम लोगों का ईद है उसी तरह छठ भी हमारे हिंदू भाई मनाते हैं और हम लोगों का सभी का सहयोग रहता है, आपसी प्यार और मोहब्बत बना रहे। कैसा यहाँ का माहौल दिखाई दे रहा है? यहाँ बहुत खूबसूरत है, सभी लोग बहुत खुश हैं और हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मना रहे हैं। चलिए, तो आपने देखा ये सिवान के लोग हैं, इनका कहना है कि काफ़ी मिल्लत के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। एक बार हम और अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जो महिलाएं अर्घ दे रही हैं उसे एक बार क्लोज करके दिखाने का प्रयास करें कि किस तरह से काफ़ी भीड़ है वहाँ महिलाओं की। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उस दृश्य को दिखाएँ, काफ़ी भीड़ है देखिए, और उसके बाद थोड़ा सा बैक की तरफ ले जाएं, देखिए कितनी अच्छी भीड़ है। और उस भीड़ में जो महिलाएं हैं या फिर जो छठ व्रती जो भी श्रद्धालु हैं वो अर्घ देने के लिए नदी के किनारे आ चुके हैं। बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है और काफ़ी समझ लीजिए कि जिले भर से लोग यहां पे आते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ हुई, कोई इसकी गिनती भी नहीं की जा सकती कि कितने लोग होंगे। जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, चाहे लाइटिंग की व्यवस्था हो या फिर बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो, बोट की व्यवस्था हो, सभी तरह की व्यवस्था की गई है ताकि छठ व्रती जो महिलाएं हैं उनको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। एक बार पूरे लंबे घाट को हम अपने कैमरे से दिखाना चाहेंगे आपको, पूरे लंबे घाट को दिखाएंगे किस तरह से एक लंबा घाट, और उस घाट पे पूरे सिवानवासी इस छठ जैसे महान पर्व पे पहुंचे हुए हैं। तो आप देखिए ये भीड़ आपको हम अपने कैमरे से यानी कि एटीएन लाइव के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। हमारे जो कैमरामैन हैं नजरे आलम, वो
बखूबी जानते हैं कि किस तरह से सीवान को लोगों को दृश्य दिखाना है, और वो उनकी जो कलाकारी है वो अपने कलाकारी से पूरी भीड़ को आप दिखा रहे हैं। आप अपने घर बैठे भी ATL लाइव चैनल के माध्यम से इस महापर्व छठ का आनंद उठा सकते हैं, इसकी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग पहुँच करके और छठ को संपन्न करा रहे हैं। देखिए अब जो बोट, जिस बोट की हम बात कर रहे थे, वो बोट अब हमारे थोड़ी से नज़दीक पहुंची हुई है और कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद है, पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये नज़ारा देख रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल, बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल से इस साल और बढ़िया हो गया। हर साल से इस साल क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा मैंने ये जो सजावट है, ये सब जो सुविधा दी गई है, इससे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले क्या पहले इस तरह की सुविधा नहीं होती? ना, इससे थोड़ा कम होता था, इस साल थोड़ा बढ़ा हुआ है। इस बार कुछ ज्यादा है, यानी कि बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत काफी लोग पहुंचे हुए हैं, भीड़ भी काफी बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। ठीक इसी तरह से हम चलेंगे और कुछ लोग हमारे साथ, क्या कहना चाहते हैं? ये हम लोग का पूरा महापर्व है छठ, इसलिए हम लोग मनाते हैं बहुत धूमधाम से। हर लोग मनाता है, हर लोग खुशी मनाता है, हिंदू मुस्लिम सर्व वर्ग का लोग मनाता है, इसीलिए महापर्व है छठ। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अली हुसैन है। देखिए अली हुसैन है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीवान शुरू से कौमी एकता का प्रतीक रहा है, चाहे कोई भी त्यौहार हो। अगर ईद है तो हिंदू भाई भी मिलकर मनाते हैं, दिवाली हो या छठ हो, आप इसका जीता जागता प्रमाण दे सकते हैं कि अली हुसैन भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये सीवान के लिए गौरव की बात है कि दोनों कौम के लोग मिलजुल कर इस त्यौहार को मना रहे हैं। हम आगे की तरफ भी चलेंगे और वहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि और जो छठ घाट है वहाँ का क्या कुछ नज़ारा है और किस तरह से लोग पहुँच करके इस त्यौहार को संपन्न करा रहे हैं, महापर्व छठ जैसे त्यौहार को संपन्न करा रहे हैं। हालांकि हम अपने दर्शकों को ATL लाइव चैनल की तरफ से इस लोक आस्था के महान पर्व पे हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं और यह आशा करते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो और शांति माहौल में आप लोग अपने जीवन को आगे की तरफ लेकर जाएं। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATL लाइव सीवान।